Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. थी दामोदर लीला। हम सब जानते हैं दामोदर लीला का मतलब दाम उधर, दाम यानी रस्सी और उधर यानी पेट। तो पेट को रस्सी से के माध्यम से बांधना, उसको दामोदर लीला कहते हैं। तो इस लीला से पहले भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो इस लीला से पहले एक लीला हुई थी मृद भक्षण लीला। मृद भक्षण यानी मृद कहते हैं मिट्टी को, और भक्षण यानी खाना। तो भगवान ने ये लीला इससे पहले की थी, दामोदर लीला से पहले। तो उसकी कुछ बातें देखेंगे, उसके बाद में फिर हम दामोदर लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मतलब ये यशोदा माई के साथ में जो भगवान ने ये लीला की थी कार्तिक महीने के अंदर, उसको दामोदर मास भी कहते हैं। और उस महीने के अंदर उससे पहले जो है जो लीला हुई थी वो मृद भक्षण लीला हुई थी। तो कृष्णा ने जो मिट्टी खाई थी, तो उस समय पर जो बलराम जी हैं, बलराम जी जो है वो भी कहते हैं कि भाई माँ यशोदा कृष्णा ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा माई तब कहती है भगवान श्री कृष्ण से, अब तो तू झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरा भाई जो हमेशा तेरी साइड लेता था, आज वो भी जो कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है। तो अभी भगवान के पास और कुछ नहीं चारा बचा था, तो भगवान ने कहा ठीक है मैया, तुम खुद ही देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तुम मेरे मुख में देख लो। तो जैसे ही यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखते हैं, तो उनको वहां पर अनेकों ब्रह्मांड दिखते हैं, और उनको स्वयं वो खुद अंदर हैं वो दिखते हैं। तो ये जब सब चीज जब देखते हैं, यशोदा माई देखती है, तो विस्मृत हो जाती है वो, एकदम मतलब चकरा जाती है कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये कोई मतलब एकदम अद्भुत चीज हो रही है। तो मतलब इससे पहले जो भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं, भगवान सब मतलब जितने भी ग्वाल थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि भाई ये यशोदा मैया से कि ये मिट्टी खा रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो भी कह दिया कि भाई अपना किसने बलराम जी ने भी कह दिया कि मिट्टी खाए। तो भगवान उनको कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्या शमशानी। शमशाना मतलब कहते हैं सर्वे मिथ्या। तो इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं कि भाई जितने भी ये ग्वाल बाल हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आचार्य यहाँ पर बताते हैं, कृष्णा ये कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो मतलब झूठ बोलते हैं यानी झूठे हैं। तो इसको हमको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए, यानी हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई वाकई में जितने भी ग्वाल बाल थे सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं। तो कृष्णा जो है टेल्स हिज मदर दैट यू लुक इनटू माय माउथ, जब उनको कहते हैं आप मेरे मुख में देखो, तो वहां पर भगवान के मुख के अंदर जो यशोदा मई है अनेकों ब्रह्मांड देखती है। तो हमने देखा है ये जो लीलाएं हैं उसके अंदर, हम जितने भी हम लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक ही बात आती है कि भगवान क्यों जो है अवतरित होते हैं, तो परित्राय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो अभी यहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई थी, उसका क्या कारण है? अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं, जब भगवान जब भी जो ब्रह्मा जी जाते हैं वहां पर क्षीर सागर के पार जाके, वहां पर जाके प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर काफी अत्याचार बढ़ गया है, इस पृथ्वी के ऊपर काफी जो है बोझ बढ़ गया है पापियों का, तो आप आइए। तो जब वो जाके ब्रह्मा जी वहां पर प्रार्थना करते हैं, तब भगवान आते हैं। तो वो जब आते हैं, तो कृष्णा जब आए थे पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने जब पृथ्वी लोक के ऊपर आए थे, तो भगवान को 4-5 साल हो गए थे जब ये लीला हुई थी। तो ये 4-5 साल हो गए, तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा जो मतलब भगवद गीता के अंदर बताया गया है कि परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जब परित्राय साधु नाम जितने भी साधु हैं उनको उनको आनंद प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि मैं 4-5 सालों से मैं इस पृथ्वी पे आ गया हूँ, मगर मैं जो जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रेम में मैं इतना मग्न हो गया हूँ कि जो मेरा रियल पर्पस था, जो मेरा सही में जो मेरा कार्य था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैं भूल गया हूँ। तो कृष्णा को ये जो है एक अंदर से अनुभूति होती है, उनको एक ऐसा एहसास होता है, ऐसा उनको लगता है कि उनसे ये गलती हो गई है। तो हम भी देखिए कि कभी कभी हम जब प्रसादम के लिए बैठते हैं, जो दो जो प्रसादम हम 10 मिनट में मतलब उसको समाप्त कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, उसको कभी कभी हम 40 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि हम किसी चीज के अंदर इतने मतलब भक्तों के साथ में बात करने के अंदर या किसी कार्य में इतने उलझे हुए रहते हैं या इतने मतलब जो हम उसमें रक्त हो जाते हैं कि हम वो जो 40 मिनट ले लेते हैं सिर्फ खाना खाने, जो 10 मिनट के अंदर खाना हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया था कि एब्जॉर्प्शन इज फंक्शन ऑफ टेस्ट। अगर आप किसी चीज के अंदर पूर्ण रूप से अगर आप किसी चीज के अंदर अब्सॉर्ब हो गए हो, तो वो किसका है, किसका है फंक्शन, क्या है वो, इस फंक्शन ऑफ टेस्ट। तो कोई किसी चीज में हमको आनंद आ जाता है तो हम इतने इसमें रक्त हो जाते हैं कि हमको समय का पता नहीं चलता। तो भगवान भी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने भी व्रजवासी हैं उनके प्रेम, जो भगवान के साथ में उन्होंने प्रेम किया था, जो ग्वाल बाल थे, जो गोपियां थी, जो माताएं ही थी, उसके बाद में जितने भी गौएं थी, जितने भी बछड़े थे, उनसे भगवान को इतना प्रेम मिला कि वो अपना सही माने में कार्य करना, यानी परिताय साधु नाम और विनाशाय च दृष्टताम, ये कार्य वो भूल गए। तो बोलते कि भाई जो मैंने परिताय साधु नाम तो किया, मैंने उसमें इतना आनंदित हो गया ग्वाल बालों के साथ में कि मैं जो दुष्कृत हैं उनका विनाश करना मैं भूल गया। तो ये जो तब वो क्या करते हैं, तो थोड़ी मिट्टी लेके अपने मुंह में डालते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, तो जो माता जो माता पृथ्वी है उसको एश्योरेंस देते हैं, उसको मतलब ये कहते हैं कि भाई अब मैं बात भूल गया था, मगर मैं अभी ये आपको वचन देता हूँ, तो ये मैंने एक स्टेप लिया है, छोटा सा स्टेप लिया है कि याद रखने के लिए कि मुझे ये कार्य संपन्न करना है, आपके ऊपर से जितने भी दुष्ट कृत हैं उनको सबका विनाश करना है, तो मैं ये छोटा सा स्टेप लेके और ये मैं मिट्टी जो है खा रहा हूँ। तो हमको भी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर राइट, हम हमेशा सोचते हैं कि भाई सही टाइम आएगा उस समय पे ये कार्य करूंगा सही, ऐसे तो वो कभी नहीं आता है। तो हमको छोटे स्टेप लेने हैं, तो भगवान ने भी एक छोटा सा स्टेप लिया अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मुझे यहाँ पर दुष्कृत जो है उनका विनाश करना है, और मैं भगवान क्षमा भी मांगते हैं पृथ्वी से कि भाई मुझसे ये गलती हो गई कि मैं इनके प्रेम में जो ब्रजवासी हैं उनसे इनके प्रेम में मैं ये भूल गया था। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, Krishna also wanted to show that he has spoken many lies. भगवान ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे झूठ उन्होंने बोले हैं। जैसे हमने देखा है माता को हमेशा कहते थे मैं नहीं माखन खायो, बाद में कहता है, बाद में क्या कहते हैं कृष्णा, बाद में कृष्ण कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, पहले कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, बाद में कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, सिर्फ मैंने ही माखन खाया। तो भगवान ऐसे अलग अलग प्रकार से काफी सारे झूठ बोलते हैं। तो अगर मतलब उस समय पर शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि जब आदमी कोई भी झूठ बोलता है तो उसको तुरंत आचमन करना चाहिए, पहले तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, अगर उसने किसी कारणवश झूठ बोल दिया है तो उसको आचमन करना चाहिए। तो आचमन जो है दो प्रकार से होते हैं, एक आचमन होता है जल से और दूसरा आचमन होता है मिट्टी से। तो भगवान ने जब ये मिट्टी खाकर ये बता दिया कि भाई मैंने जो झूठ बोला है उसके लिए मैं अपने आप को उसकी वजह से मैं आचमन कर रहा हूँ, तो ये रीजन है। मगर ऐसा हमको जो कलयुग के अंदर ये संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर अगर हम मतलब ये बोलेंगे कि हर टाइम आचमन करते रहेंगे क्योंकि हम इतने सारे झूठ बोलते हैं, तो ये रीजन है। तो ये सेकंड रीजन था कि भगवान ने मिट्टी खाई थी। और तीसरा कारण क्या है, तो तीसरा कारण मृद जो है संस्कृत में इस लीला को बताया गया है मृद भक्षण लीला। तो मृद यानी क्या होता है, मृद में मृद का दूसरा अर्थ होता है विष। तो भगवान ने इससे पहले जब भी पूतना ने उनको दूध पिलाने का प्रयास किया था और भगवान ने उनका दूध पान जो है स्तनपान किया था, तो भगवान ने जब वो विष साथ साथ में विष भी उन्होंने पी लिया था, तो विष अगर उनके अंदर था तो उस विष को काटने के लिए उन्होंने मिट्टी खाई थी। तो मिट्टी खाने से जो एक जहर दूसरे जहर को काटता है, इसके लिए ये इसका तीसरा रीजन था ये मृद भक्षण लीला का। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि भगवान जो है यशोदा मैया को जो जब पूरे ब्रह्मांड इतने सारे दिखाते हैं, तो यशोदा मई जो है
एकदम जो है विस्मृत हो जाती है। तो यहाँ पर जो सत्यव्रत मुनि क्या बताते हैं, सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि मैं उस भगवान को, मैं उस सच्चित आनंद को जो है ईश्वर है उसको मैं बारंबार और ही नमस्कार करता हूँ, और ये कोई जो छोटा सा बालक है वो ऑर्डिनरी बालक नहीं है, वो ईश्वर स्वयं है। और उसके बाद में फिर यशोदा माई जो है वो भगवान का इतना ऐश्वर्य देखा तो वो मतलब उसमें विस्मृत हो गई। तो इससे क्या होता है कि यशोदा माई बहुत जो है विनम्र हो गई कि जब हम किसी की भी शक्ति देखते हैं, किसी का भी पावर देखते हैं तो हम जो है विनम्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब है, इससे क्या हमको सीख मिलती है, हाउ टू बिकम हम्बल व्हेन वी सी द पावर। जब हम किसी की शक्ति देखती हैं, किसी के मतलब एकदम पावर उसकी देखती हैं, उसके में ये तो काफी बलवान है, इसमें इतनी सारी शक्तियां हैं, तो हमको ये देखना है कि हमको उसके सामने हमको अपने आप को जो है वो पहले तो ये सोचना है कि जितनी भी शक्तियां हैं ये भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उसको मिली हैं, और उन शक्तियों की वजह से हम अपने आप को जो है हम क्या सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी शक्तियां जो भगवान ने इसको दी है उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तुच्छ हूँ। तो हम हमारे अंदर जो ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम हम्बल बन जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 4वें श्लोक में क्या कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत उर्जितम एव एव तत् तत् एव गच्छत्वाम मम तेजो अंश संभवम। कि मेरे जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी भगवान इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, नो दैट ऑल ब्यूटीफुल, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, ग्लोरियस हैं और माइटी क्रिएशन से जो बड़ी बड़ी चीजें बनी हुई है वो सब चीजें, वो केवल मेरे एक जो है जो चिंगारी निकलती है ना एक आग के अंदर से, इतनी शक्ति है मेरी जिसकी वजह से इतनी सब चीजें सुंदर आपको लगती हैं या ग्लोरियस लगती हैं, जो बड़ी बड़ी आपको जो महल दिखते हैं या बड़ी बड़ी जो क्रिएशन दिखते हैं वो सिर्फ मेरे एक चिंगारी की तरह है, वो इसकी वजह से वो वहां पर खड़े। तो द फीलिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंस इज बिगिनिंग ऑफ द बाइंडिंग कृष्णा विद लव। जब हम अपने आप को तुच्छ समझेंगे, जब हम अपने आप को ऐसा समझेंगे, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो मतलब उसके अंदर जो इनसिग्निफिकेंट अपने आप को समझते हैं, तब वहां पर जो है भगवान के साथ में भगवान को प्रेम से बांधने का जो प्रयास स्टार्ट होता है, जब हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहाँ पर यशोदा माई सेज दैट, अभी यशोदा मैया क्या कहती है, यशोदा मैया कहती है कि मैं यहाँ की पटरानी हूँ, उसके बाद में मेरे नीचे इतने सारे गोपा हैं, गोपीस काम करते हैं, मेरे पास इतने गौए हैं, इतने गायें हैं, तो मैं ये जो बार बार ये सोचती थी कि मेरे हैं, मैं हूँ, ये है, पर एक्चुअली ये तो सब एक झूठ है, क्योंकि अभी जब उसने भगवान के मुख के अंदर देखा तो उसने रियलाइज किया कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। तो लेट माई माइंड इंटेलेक्ट बी रिपोज ऑफ दैट सुप्रीम। तो अब मैं जो है इससे अच्छा मैं भगवान का स्मरण करूं। उसको ये पता नहीं था भगवान ने, क्योंकि उनकी जो है जो स्मरण शक्ति को विस्मृत कर दिया था, उन्होंने पूरा वाइप आउट कर दिया था, इस वजह से यशोदा मई को ये पता नहीं था कि भाई भगवान यही कृष्ण है। तो वो जब यशोदा मई ने ये देखा और उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को इतना मान रही थी, बड़ा मान रही थी, मगर ये सब चीजें जो है भगवान के सामने तुच्छ है, तो भगवान का ध्यान करने के अंदर मतलब रक्त हो जाती है। तो ठीक उसी तरह हमको भी जो है भगवान, जितनी भी हम ऐश्वर्य, जितना भी हम किसी के अंदर सुंदरता देखते हैं, जितनी भी हम बड़े बड़े महल देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, बहुत पैसे देखते हैं, इन सब चीजों से हमको ये देखना है कि भाई इसके ऊपर भगवान की एक छोटी सी कृपा है जिसकी वजह से ये इसके पास है, वरना और कुछ नहीं है। तो इससे मतलब भगवान कितने भव्य होंगे, भगवान का एक नाम है असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे जो गुण वाले भगवान को हमको कैसे मतलब जो है हमको उसकी आराधना करनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को कि जो जिनके पास थोड़ी कोई शक्ति आ जाती है, थोड़े बहुत धन आ जाता है, थोड़े बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं तो हम उनके पीछे भागते हैं। तो उसके बाद में फिर बिल्व मंगल ठाकुर क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि भगवान की भव्यता के बारे में बताते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर की बताते हैं, जब वराहदेव, जब भगवान ने अवतार लिया था वराहदेव का, तो उनके शरीर के अंदर जितने भी जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो बालों के जो सुराख होते हैं, तो मतलब जब बिल्व मंगल ठाकुर उसके कैसे समझाते हैं कि भगवान के वराहदेव की भव्यता को कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि उनके शरीर का जो एक छिद्र है,
जो जहां से बाल निकलता है वो छिद्र, छोटा सा छिद्र वरा देव का, उसके अंदर सात समुन्दर का पानी अगर आप डाल दो, सात समुन्दरों का पूरा पानी आप उस छिद्र में डाल दो, तो भी आप उस छिद्र को भर नहीं सकते। यानी सोचिए कि भगवान कितने भव्य हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि आप भगवान की साइज को या भगवान की जो भव्यता को आप कभी भी जो है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो और उसी भगवान को अभी देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन कैसे, उसी भगवान को यशोदा माई एक पानी का बकेट लेकर, पानी का एक छोटा सा बर्तन लेकर उस भगवान को नहलाती है। यानी एक कैसे कंपैरिजन किया है हमारे आचार्य जन, कितनी सुंदरता से हमको समझाते हैं कि जिस भगवान के शरीर के, वरादेव के शरीर के छिद्र के अंदर सात समुद्रों का पानी डाल दो तो भी वो जो छिद्र नहीं भर पाएगा, उसको ओवरफ्लो नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को यशोदा माई वहां पर खड़ा कर कर एक बर्तन के अंदर, छोटा जो है बकेट के अंदर पानी लेके भगवान को नहला रही है। ये भगवान की ये सुंदरता है भगवान की। भगवान किस तरह से प्रेम में बन जाते हैं। कृष्णा वॉन्टेड टू शो दैट ही कैन बी कंट्रोल बाय लव। भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो भगवान को आप प्रेम पूर्वक जो है मतलब आप इसको बांध सकते हो। तो भगवान की जो ये प्रेममयी बात है, तो भगवान कहाँ पर थे? वृंदावन के अंदर, गोकुल के अंदर, वृंदावन के अंदर थे। तो वृंदावन के अंदर आपको भगवान की शक्ति के माध्यम, जो शक्ति की बातें हैं वो आपको जो है वहां पर ऐसा नहीं बताया जाएगा कि वहां पर जो भगवान का पावर नहीं बताया गया है वहां पर वृंदावन के अंदर, और न ही गोकुल के अंदर भगवान का पावर नहीं बताया गया। भगवान का पावर जैसे वहां पर ये बताया गया कि वहां शेर है, हाथी है, चीते हैं, ऐसा नहीं बताया। भगवान के जो धाम है वृंदावन के अंदर, गोकुल के अंदर, वहां की मधुरता को दर्शाया गया है। और वो मधुरता कहाँ से मिलती है? तो वहां के उसको दर्शाने के लिए, तो दर्शाने के लिए क्या बताया गया है वहां पर? बताए गए हैं पैरट, तोते, उसके बाद में पीकॉक, उसके बाद में क्या बताए, जो बछड़े, गाय के बछड़े, गायें, उसके बाद ग्वाल, गोपी, तुलसी, इस जो ये सब चीज जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमको तुरंत हमको क्या याद आता है? वृंदावन और कृष्ण याद आते हैं। तो ये चीजों से भगवान अपना प्रेम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो हमको वृंदावन के अंदर कोई भी चीज शक्तिशाली वाली चीज के बारे में नहीं दर्शाया गया कि वहां पर हाथी है, वहां पर जो बोलते हैं कि शेर है, वहां पर चीते हैं, ऐसा नहीं बताया गया। तो ये यहाँ पर एक सुंदर बात बताई गई। कृष्णा जो है जो है अपने भक्तों से परास्त होने के लिए, अपने भक्तों से जो है हारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये हमको एक अजब सी बात लगती है, मगर ये जो लेक्चर सुना था मैंने, इतना सुंदर लेक्चर है, उसके अंदर बताते हैं कि कृष्णा जो है ना अपने भक्तों से परास्त, अपने भक्तों से हारने के लिए तैयार होते हैं। तो वो वहां पर कैसे बताया था, कृष्णा जब जब उनके भक्त हैं उनके उनके साथ में जब मतलब हारते हैं, क्यों हारते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, वो श्रेय जो है वो भक्तों को देना चाहते हैं। तो जैसे अभी यशोदा मतलब इस लीला के माध्यम से यशोदा का मतलब क्या होता है कि यशोदा जिसको जिसके जिसके माध्यम से यश मिला, यानी कृष्ण यशोदा मई को जो भी यश किसके माध्यम से मिला? कृष्ण के माध्यम से मिला, इस लीला के माध्यम से मिला। यशोदा यश देने वाला। तो यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया, यशोदा मई को यानी अपनी माता को यश दिलवाया, तो यशोदा। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि कैसे जो है ब्रजवासी के अंदर, ब्रजवासियों को कैसे भगवान जो है उनको जो क्रेडिट कैसे देते हैं, उनको श्रेय कैसे देते हैं। तो कृष्णा जब मतलब जब युद्ध हुआ था, जब मल्ल युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जो कंस के जो एरिना के अंदर वहां पर जो चानुर्स, उसके पास मुष्टिक और कंसा, इन तीनों को जो परास्त कर दिया, इन तीनों को हरा दिया, तीनों को मार दिया। तो तब जितने भी मतलब जब वो ये कहा गया मतलब कृष्ण के ग्वाल बालों को कि भाई ये मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, कृष्ण ने चाणूर जैसे और उसके बाद मुष्टिक जैसे और कंस जैसे जो है योद्धाओं को मल्लयुद्ध के अंदर परास्त कर दिया, उनको हार दिया, हरा दिया। तो श्रीदाम जो उनका जो मित्र है, जो उनका एक ग्वाल बाल है, वो कहता है कि ये क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कृष्ण को तो मैं रोज हराता हूँ, हम लोग हमेशा जब भी कुश्ती करते हैं तो कृष्णा तो हमेशा हार जाते हैं। तो उसने जब ये श्रीराम ने फिर क्या कहा, श्रीराम ने कृष्ण को बुलाया, चलो हम एक बार सबके सामने हम युद्ध करते हैं। तो आप यकीन मानेंगे कृष्णा वहां फिर श्रीराम से हार गए।
जबकि उनसे थोड़ी देर पहले ही वो उन्होंने चानू और मुष्टिक और कंस को हरा दिया था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण फिर श्रीराम से हार जाते हैं। तो श्रीराम कहता देखा मैंने इसको हरा दिया। तो भगवान यहाँ पर भी जो है अपने भक्तों को जो है प्रेम प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को प्रदान करते हैं प्रेम। तो यहाँ पर बात यह आती है कि चाणूर और मुष्टिक और कंस ये भी तो भगवान के एक तरह से भक्त थे, तो वहां पर उन्होंने उनको कैसे मार दिया, और जो श्रीदाम जो उनके प्रेम सखा थे, उन जो सखा थे उनके साथ में वो क्यों हार गए। तो यहाँ पर ये क्लियरली क्लियरली इस तरह से बताया गया है कि वो जो थे वो भगवान को हराने के लिए आए थे। जो तमस थे, चाणूर थे और मुष्टिक थे, उनका उनका मनोभाव क्या था कि भगवान को मारना है और भगवान को हराना है। जबकि श्रीधाम का जो क्या था वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए उनके साथ में कुश्ती कर रहे थे। तो ये जो ये फर्क पड़ता है, मतलब भगवान कैसे रहे। तो कृष्णा कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं अपने जितने ग्वाल बाल की, कृष्णा कहते हैं कि मैंने पूतना को मारा। तो श्रीधाम उस समय क्या कहते हैं, नहीं, तुमने क्या पूतना को मारा, तुमने पूतना को नहीं मारा, यशोदा माई ने अच्छी से प्रार्थना की थी ना, इसके वजह से तुम बच गए और इसके वजह से जो है पूतना मर गई। उसके बाद में क्या कहते हैं, अरे भाई मैंने तुमको जो इतनी बारिश हुई थी, इतनी भयंकर बारिश हुई थी, उसमें से मैंने तुम्हें बचाया। तो बोलता है तो श्रीराम क्या कहता है, नहीं, वो इसके वजह से नहीं बच, तुमने हम जो है जो तुमने हमको बचाया, जो गोवर्धन था वो गोवर्धन हमारी जो प्रार्थनाएं, हमने जो उनके साथ में इतने सालों से प्रार्थनाएं की थी, उनकी जो पूजा की थी, इसके वजह से वो प्रसन्न हो गए, इसके वजह से जो है तुम उसको उठा पाए थे। तो ऐसे करते मतलब वो तभी भी श्रीदाम नहीं मानते। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुमको जो अगासुर के मुख से बचाया। तो बोला क्या बात करते हो, अगासुर के पेट के अंदर तो हम सब ग्वाल बाल अंदर पहले गए थे, हमने पूरा काम खत्म कर दिया था, तुमने तो सिर्फ जो किया ना वो अपना श्रेय पाने के लिए, तुमने जो है क्रेडिट पाने के लिए तुमने जो है तुमने अब ये काम किया। तो कहने का मतलब है जिनके पीछे 33 करोड़ देवी देवता, जिनके पैरों को छूने के लिए, पैरों का दर्शन करने के लिए, ऐसे भगवान की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके पूरे लालायित हो जाते हैं, वही भगवान जो है अपने ऐसे कोमल चरण लेके गऊ के पीछे भागते हैं। तो ये एक मतलब कितनी मतलब विस्मित करने वाली बातें हैं। तो इसके बाद में आता है कि चक्रवर्ती पाद जो कहते हैं कि भाई कृष्णा इज रिवीलिंग टू डेमीगॉड्स एंड हिज वर्शिपर्स दैट आई एम रिनाउंसिंग ऑल माय पावर्स इन दिस लीला। अभी भगवान क्या बताते हैं कि इन लीला, अभी बहुत महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट हैं, इसके साथ में फिर मैं इसको वाणी को विराम दूंगा। तो ये यहाँ बताते हैं चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान इस लीला के माध्यम से जो 3 चीजें हैं वो क्या क्या चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जो भगवान इस लीला के माध्यम से जो जो उन भगवान इसको त्यागते हैं। तो भगवान को कहा गया है कि भगवान जो है वो अप्त काम है। अप्त काम का मतलब है कि किसी भी चीज से वो संतुष्ट हैं, थोड़ी सी मिल जाए उससे संतुष्ट हैं। मगर यहाँ पर भगवान उस जो ये अप्त काम की जो क्वालिटी है उसको भगवान जो है खंडित करते हैं। कैसे कि वो जब भगवान ने माता का दूध पिया और माता का दूध उनको पूर्ण रूप से नहीं मिला, तो वो तो अगर अब तक काम होते तो वहां पर संतुष्ट हो जाते, मगर वहां पर भगवान ने अब तक काम न होने का बात बताई है कि वो बताते हैं कि मुझे जो है माँ का पूरा दूध नहीं मिला, इसके लिए मैं जो गुस्से में हूँ। तो ये अब तक काम है जो सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फाइड रहता है, थोड़ा भी मिलने में से सेटिस्फाइड रहता है, उसको अब तक काम कहते हैं। मगर यहाँ पर भगवान कहते हैं मुझे और चाहिए। तो ये भगवान मतलब क्या कहना चाहते हैं, मुझे प्रेम और चाहिए। तो ये अब तक काम की क्वालिटी को भगवान ने यहाँ पर नकारा है। उसके बाद में एक त्रिगुणातीत, अभी जो 3 गुणों से ऊपर हो उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं त्रिगुणातीत वाले व्यक्ति को कभी भी गुस्सा नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान को दूध नहीं मिलता पर्याप्त मात्रा में, भगवान को जितना चाहिए इतना दूध नहीं मिलता माता का, तो भगवान जो है गुस्से में आते हैं। तो यानी यहाँ पर त्रिगुणातीत जो लक्षण है भगवान के, उसको भी वो नकारते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति का मतलब क्या होता है कि जो श्री निकेतन है, जो भगवान लक्ष्मी जो है लक्ष्मी के पति हैं, बट यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर माखन की चोरी करते हैं और उनको एक लेबल लगा दिया गया है कि भगवान एक माखन चोर है। तो लक्ष्मीपति हो जो होगा, जिसके पास इतनी लक्ष्मी, उसको क्या चोरी करने की जरूरत है। मगर यहाँ पर भगवान अपने आप को इस थर्ड जो क्वालिटी है, लक्ष्मीपति जिसको नाम दिया गया है, सुदामा ने दिया है, उसको भी नकारते हैं। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर मैं चोर हूँ। तो यहाँ पर भगवान चोर चोरी करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जो भयापा होता है, यानी जो भय जिसके जिससे मतलब भय, स्वयं भय, वो भी डरता हो, वो यहाँ पर भयभीत है। वो भयभीत क्यों है? क्योंकि माँ के हाथ में छड़ी है और माँ भगवान को जो है छड़ी दिखा रही है, और इस वजह से भगवान के अंदर जो एक भय आता है, तो भय की क्वालिटी वहां पर भगवान बताते हैं। तो ये क्वालिटीज जो है भगवान यहाँ पर नकारते हैं। और इन क्वालिटीज को एक मिनट, एक जस्ट वन मिनट, हरे कृष्णा। तो एक अभी किताब है दामोदर के ऊपर, किताब है जो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने लिखी है। उस किताब के अंदर बहुत सुंदर एक पॉइंट लिखी है, जो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए उस पुस्तक को, तो वो मतलब उस पुस्तक के अंदर से एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बताते हैं कि शास्त्र बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं कि भगवान के अंदर 18 ऐसी क्वालिटीज हैं, 18 ऐसी क्वालिटीज है जो भगवान में नहीं होनी चाहिए। जैसे भगवान अगर हैं तो उनके अंदर 18 क्वालिटीज हैं, तो 18 जैसे जो कहते हैं वो क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए भगवान के अंदर, मगर वो उनके अंदर वो क्वालिटीज भगवान दर्शित करते हैं। तो वो 18 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, तो पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उनका फिर हिंदी में बताऊंगा। तो फर्स्ट जैसे क्वालिटी बताई गई, इल्यूजन, भगवान कभी भी भ्रमित नहीं होते, तो इल्यूजन एक है। उसके बाद में लेजीनेस, उसके बाद में जो है एरर, उसके बाद में क्रुएल्टी, उसके बाद में इंटेंस लस्ट, उसके बाद में जो फिकलनेस, उसके बाद में एरोगेंस, एनवी, वायोलेंस, उसके बाद में सॉरो, उसके बाद में फटीक, उसके बाद में डिसऑनेस्टी, एंगर, उसके बाद में लॉन्गिंग, उसके बाद में फियर, उसके बाद में कन्फ्यूजन, उसके बाद में पार्शियलिटी, और उसके बाद में डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। तो ये 18 क्वालिटी मतलब इस पुस्तक के अंदर बताई गई है। और इसको जो अगर हिंदी में हम देखेंगे, तो हिंदी में ये 18 क्वालिटीज कौन सी है जो भगवान में नहीं होनी चाहिए, तो ये हम देखेंगे। तो 18 क्वालिटीज कौन सी है? भ्रम, उसके बाद में आलस्य, उसके बाद में त्रुटि, उसके बाद में क्रूरता, तीव्र वासना, चंचलता, उसके बाद अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा, दुख, उसके बाद में है थकान, उसके बाद में बेईमानी, क्रोध, लालसा, डर, भ्रम, पक्षपात, और दूसरों पर निर्भरता। तो ये 18 क्वालिटीज भगवान में नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पर वही जो है क्वालिटीज के अंदर जो देखी है, त्रिगुणातीत देखा, उसके बाद में लक्ष्मीपति का देखा, उसके बाद में अप्त काम देखा, उसके बाद में आत्माराम देखा। तो ये जो मतलब 18 क्वालिटीज भगवान में नहीं होनी चाहिए, वो हमको जो आचार्य हैं लीलाओं के माध्यम से, तो वहां पर इस पुस्तक के अंदर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने इन लीलाओं के अंदर बहुत सारी ये जो 18 क्वालिटीज हैं ये भी दिखाई हैं, मगर उसको आचार्य ने किस तरह से हमको समझाया है कि भगवान भी भयभीत होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा जो भगवान भी, भगवान को भी लालसा है, भगवान को भी जो है आत्माराम होने के बाद में भी भगवान जो है यहाँ पर दूध के लिए लालायित होते हैं, माँ का दूध के लिए। तो ये 18 क्वालिटीज जो क्वालिटीज नहीं है, डिसक्वालिटीज हैं, जो डिसक्वालिफिकेशन है, मगर वो भी भगवान के अंदर है, तो उनको आचार्य किस तरह से हमको भगवान की लीलाओं के माध्यम से समझाते हैं, तो ये पढ़ने लायक है और उसको समझने लायक है। हरे कृष्णा। इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।